हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 4, जिसमें हम बेसमेंट स्किप करेंगे, अगर हो पाया तो। अगर कार स्किप हुआ तो वो भी कर लेंगे, बट बेसमेंट स्किप करने का ट्राई करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे ओल्ड की ढूंढनी पड़ेगी। तो शायद ओके, ओल्ड की मिल गई। इस रूम से बाहर निकलने के लिए ओल्ड की लगती है, तो यहाँ पर ओल्ड की का यूज़ हो चुका है। वैसे इस ओल्ड की का यूज़ एक जगह और होगा, वो है बेसमेंट में। लेकिन बेसमेंट में अंदर जाने के लिए हमें चाहिए डायमंड, तो सबसे पहले डायमंड ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल इस रूम में तो कुछ है नहीं, एक बुक पड़ी है। और इस वाले चैप्टर 4 में, ग्रैनी के चैप्टर 4 में बुक का कोई यूज़ नहीं होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फालतू की है बुक, कोई यूज़ नहीं है उसका, यूज़लेस है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ इस ओल्ड की को लेके। पहले ये ड्रॉ चेक कर लेता हूँ, काश इसमें कुछ मिल जाए। नहीं, इसमें तो कुछ है नहीं। और अभी यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा, इसमें भी एक लीवर टाइप का रहता, कुछ ना कुछ मिलता है। यहाँ पे फ़िलहाल तो कुछ है नहीं। तो फिलहाल ये बेसमेंट जो की है, मैं इसको फेंक के आऊँगा बेसमेंट में। अरे सॉरी, ये ओल्ड की है। तो ये रहा अपना बेसमेंट। यहाँ पे इस की का यूज़ होगा, लेकिन इस की का यूज़ होने से पहले डायमंड का यूज़ होगा। डायमंड लगेगा, पहले यहाँ पे देख लेता हूँ कुछ है तो नहीं। यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और यहाँ पे इस की को फेंक दो। और डायमंड जो पीछे आपने गेट बंद है ना, उस गेट को खोलने के लिए डायमंड लगेगा, जो अपने पास अभी है नहीं। यहाँ से निकलता हूँ, बस सामने से गिरे, बस इसका ही डरता और यही आ गई। तो फिलहाल मुझे वापस जाना होगा इससे बचने के लिए। यहाँ पे छुप जाऊँ क्या? नहीं यार, यहाँ पे शायद देख सकती है। यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर ये पूरा आई तो शायद मैं मर जाऊँ, लेकिन मुझे यहाँ पे छुप जाता हूँ। अब ये आगे ना आए। ओके, क्योंकि साउंड हुआ था ना की का, कि मैंने ड्रॉप की तो उसका साउंड हुआ, तो इसलिए शायद ग्रैनी आ गई। और मतलब वो जो ट्रैकुला है, ये इसकी तो बात कर रहा था, ये भी साउंड सुन के आता है। नॉसफराटू नाम है। इस गेम में चार चार हैं, ग्रैनी, ग्रैंडपा और ये ड्रैकुला और स्लेंडरीना। मतलब चार लोगों से बच के हमें ये एस्केप करना होगा। तो फिलहाल ऊपर चलते हैं, ग्रैनी तो गई होगी। ओके, यहाँ पे कोई नहीं है, क्लियर है। ओके, वो जा रही है ग्रैनी। तो यहाँ पे जाके मैं ओके इस तरफ नहीं चेक कर सकता अभी। इधर ग्रैंडपा है, तो फिलहाल मैं इधर जाऊंगा। अपने को बेसमेंट की मिल चुकी है। बेसमेंट स्केप करने के लिए सिर्फ एक हैंडल चाहिए और बेसमेंट की, सॉरी ओल्ड की मिल चुकी है। मैं बार बार बेसमेंट क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर मिल चुका है, चलो अच्छा है। स्क्रू ड्राइवर दो जगह यूज़ होगा ये, तो एक तो ऊपर और एक नीचे। तो नीचे हूँ तो पहले नीचे यूज़ करके जाऊँ। यहाँ साउंड कर दिया ताकि वो लोग इधर आ जाएँ, ग्रैनी व्रैनी जो भी हैं, और मैं उधर का काम कर लूँ। तो इनमें चेक कर लेता हूँ कुछ मिल जाए। ओके, यहाँ पे क्या विंड की है, विंड की है। ये की तब यूज़ होती है, मतलब वेपन के लिए। तो फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, तो बेसमेंट में सिर्फ अपने को एक हैंडल चाहिए और एक बेसमेंट की चाहिए। ये दो चीज़ चाहिए, अपना बेसमेंट स्केप हो जाएगा। और कार स्केप करने के लिए कार की चाहिए, और क्या चाहिए, एक सीज़र चाहिए, और क्या चाहिए, हाँ कार की बैटरी, और उसको सीज़र को कट करने उससे पहले हैमर भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखता हूँ मैं कुछ यहाँ से। ओके, यहाँ पे क्या है, कार की है। तो ये मैं सोच रहा हूँ नहीं लेता हूँ, लेकिन ले ही लेता हूँ, क्योंकि क्या पता अपने आगे कार एस्केप ही करना पड़े, क्योंकि इस गेम में ग्लिच बहुत होते हैं। ग्लिच मतलब या तो बेसमेंट की नहीं मिलेगी, या हैंडल नहीं मिलेगा। हैंडल मिलेगा तो वो यू नो उठेगा नहीं, उसको उठा नहीं सकते हो आप। तो ऐसे ग्लिच होते रहते हैं। तो फिलहाल जहाँ पे वो कार की यूज़ होगी, वहाँ पे मैं फेंक के आ गया। अभी स्क्रू ड्राइवर लेके चलता हूँ सीधा ऊपर, क्योंकि अब इसका यूज़ सीधा ऊपर ही। और ग्रैनी आ चुकी है, और उसके पीछे ड्रैकुला भी है शायद। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, सीधा जाता हूँ ऊपर। एक बार यहाँ पे मैंने चेक करना है ये डायमंड था ना, तो यहाँ पे इसको फेंको। और ये हैंडल भी है ना, तो हैंडल तो मिल गया अपने को। अब सिर्फ बेसमेंट की चाहिए, मतलब है ना। तो अपना इसके हो सकता है, अगर बेसमेंट की मिल जाए
देखते हैं कहाँ मिलेगी। फिलहाल तो इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इनमें तो कुछ है नहीं, तो स्क्रू ड्राइवर लेके चलते हैं, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर का इसका यूज़ तो सिर्फ ऊपर या ग्रैनी है सामने, वो पूरा रोटेट करके आएगी। यहाँ पे साउंड कर देता हूँ ताकि आ जाए। ओके यहाँ से मैं निकल जाऊँ, खैर वो वापस आ रही है, साउंड का कोई मतलब नहीं बना, लेकिन कोई नहीं, तब तक मैं ये चेक कर लेता हूँ। ड्रैकुला वैसे यहीं पे रहता है ऊपर वो, लेकिन इस बार है नहीं, ये अपने लिए अच्छा है। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ओके यहाँ पे भी नहीं है। तो जब तक मैं वहाँ तक पहुँचूँ जहाँ स्क्रू ड्राइवर का यूज़ होगा, तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई को सपोर्ट करो, बन के होने वाले हैं, प्लीज़ करवा दो। तो यहाँ पे ये स्क्रू ड्राइवर लगेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर तो लग जाएगा, लेकिन एक और चीज़ लगेगी इसको कट करने के लिए, सीजर, तभी जाके इस पर रखी हुई की या बैटरी जो भी है वो तभी मिलेगी जब हमें सीजर मिलेगी, और सीजर अभी तक मिली नहीं है। तो फिलहाल इस स्क्रू ड्राइवर को मैं, ये वाला गेट भी तो नहीं खुलवाया अभी, इस गेट को खोलने के लिए मतलब अपने को चाहिए कि लीवर, लीवर लगेगा बाहर की साइड, मतलब घर से बाहर, तब जाके वो वाला गेट खुलेगा। तो अभी तो बहुत कुछ नहीं मिला है, लेकिन अपने को मेन चीज़ जो चाहिए वो है बेसमेंट की। अगर बेसमेंट की मिल जाए तो अपना स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा खाली रहता है, तो अभी भी कुछ है नहीं। फिलहाल यहाँ से नीचे जा सकता हूँ, बस कोई हो ना नीचे, ग्रैंडपा, ग्रैनी या ड्रैकुला, तो फिलहाल तो सेफ हूँ मैं। वन डे इस्केप करके मतलब ट्राई करेंगे अगर हो जाए तो, वैसे अभी तक तो इजी है, कोई दिक्कत है नहीं, डे वन ही चल रहा है। तो इस डायमंड का यूज़ होगा नीचे बेसमेंट में। तो यहाँ पे साउंड कर देता हूँ ताकि जो भी अगर बेसमेंट पे ग्रैनी हुई तो वो वहाँ से निकल के यहाँ आ जाए और अपना बेसमेंट क्लियर हो जाए। अपने को भी सिलेंड्रीना भी नहीं मिली था ना शायद, एक भी बार नहीं आई सामने। ओके अच्छा है अपने लिए। तो फिलहाल इस डायमंड का यूज़ होगा इस गेट को खोलने के लिए, इसकी बात कर रहा था मैं। और यहाँ पे इसका यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे लगा दो तो ये गेट खुल जाएगा। और ओल्ड की है ना वो, एक ये वाला जो गेट है आपको ये सामने वाला दिख रहा है वहाँ पे बेसमेंट की लगेगी, लेकिन यहाँ पे ओल्ड की लगेगी इस वाले गेट में। ओके तो ओल्ड की में रखी है गन जो आपको दिखी होगी। ये गेट तो खैर ओल्ड की से नहीं खुलता, बिना ओल्ड की के भी खुल जाता, लॉक नहीं होता ये वाला गेट जिसमें मैं हूँ, लेकिन यहाँ पे ओल्ड की लगती है। तो ये सामने जो पड़ी है ना, ये एक वेपन है, यहाँ पे तो स्क्रू ड्राइवर लगेगा ना, हाँ यहाँ पे भी लगेगा, मैं कॉस्मिक गन है ये, बहुत पावरफुल है। अगर इसका यूज़ कर रहे हो तो बहुत दूर रह के करना पड़ेगा, मतलब अगर ग्रैनी को मारना है तो उससे एक डिस्टेंस पे, मतलब बहुत दूरी से मारना पड़ेगा, अगर पास जाके तुम भी मर जाओगे। तो यहाँ पे अगर साउंड ओल्ड की गिरी है तो साउंड होगी, तो बस आ चुका है ये ड्रैकुला भाई साहब, और ग्रैनी भी आती होगी। तो फिलहाल ये तो दो मिनट के लिए इसको मार दिया है। ओके अभी ग्रैनी का वेट है, आजा आजा आजा। ओके ग्रैनी भी आ गई, इसको भी मार दिया, अभी अपने लिए आसान है, सिर्फ ग्रैंडपा बचा है। ओके हाँ तो जैसा मैंने बोला, ये कॉस्मिक गन बहुत ख़तरनाक है, अगर पास से इसको मारोगे तो तुम भी मर जाओगे, तो थोड़ा दूर रह के यूज़ करना। तो ग्रैंडपा तो पता नहीं कहाँ पे हो, ये रहा, अच्छा अच्छा, ओहो आयुष्मान बाबा सीधा आशीर्वाद लेने चला आया, इट्स ओके। खैर ऊपर चलते हैं, अभी ऊपर ही काम है, क्या क्या रह गया अपना, सिर्फ बेसमेंट की रह गई यार, रह तो कुछ नहीं गया ना। हाँ इस कॉस्मिक गन से एक और चीज़ यूज़ है, इससे एक लॉक खुलता है, मतलब लॉक तो नहीं, मतलब दिखाई दे रहा ये जो सामने ये चीज़ खुलती है, ये कॉस्मिक गन से ही खुलेगी, बात की तो नहीं खुलने वाला। तो ऊपर शायद मेरे को जहाँ तक आइडिया लग रहा है बैटरी सी दिख रही है, बट इट्स ओके देखते हैं। तो यहाँ पे है अपनी है बेसमेंट की, वाह बेसमेंट की मिल गई, अभी तो हो गया ना इसके, एस्केप हो चुका है गाइस, अभी अपने को जाना है सिर्फ बेसमेंट में। हैंडल तो हैंडल हाँ हैंडल था उस टेबल पे है ना, तो बस ये दो चीज़ें लेके हमको जानी है नीचे बेसमेंट में।
तो पहले मैं इसको फेंक के आऊँ। हैंडल भी शायद मैंने रख दिया था ना वहाँ पे, शायद पता नहीं, हैंडल टेबल पे ही है आई थिंक, हाँ वहीं पे है, ये वहीं लास्ट टाइम छोड़ा था मैंने। तो हैंडल को उठाता हूँ, आजा हाथ में। ये तो डर लगने लगता जब हो, बहुत ग्लिच है मतलब इसका, कभी कभी चीज़ें उठती नहीं हैं और कभी कभी अजीब अजीब से ग्लिच है, कभी कभी मिलते ही नहीं है। बेसमेंट की मेरे को मिली है, एक गेम खेला था मतलब इससे पहले रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें कुछ चीज़ें ही नहीं मिल रही थी, जैसे बेसमेंट की हो गई वो मिली ही नहीं, हर चीज़ देख ली। वैसे अभी भी इस घर को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह हैं, बट अपने को बेसमेंट की मिल चुकी है तो ज़रूरत है नहीं। वैसे हैमर, हैमर का भी यूज़ होता है, बैटरी हो गई एंड यू नो लीवर, ये सारी चीज़ें, बट अपना लक था भाई जो बेसमेंट की मिल गई और हैंडल भी मिल गया। बस यहाँ से अब अपने को बेसमेंट की, ओके एक रहनी आ गई, हो बस यही तो दिक्कत है, अभी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये ग्रैनी और वो ड्रैकुला बहुत ज़्यादा टाइम ले गए थे, तो वीडियो को यहाँ से फास्ट कर देता हूँ। ओके तो ये ट्रैगुला यहाँ पे कैंप कर जाता, खड़ा है होता है, तो मैं सोचता हूँ क्या करूँ, फिर मैं थोड़ा रिक्स लेके घूम और यहाँ से भाग जाता हूँ। मुझे बस बेसमेंट की चाहिए, अब आगे से ग्रैंडपा या ग्रैनी आई तो मेरा काम ख़त्म। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ग्रैंडपा होता है, बस वो जा रहा होता है, अगर आ रहा होता तो फिर मैं मर जाता। फिलहाल यहाँ पे बेसमेंट की उठा ली है मैंने, अभी ट्रैगुला नीचे है तो बस उसको ऊपर आना है, लेकिन उसको ना इधर साइड ले जाना है। तो मैं यहाँ पे साउंड कर देता हूँ ताकि ड्रैकुला इधर आ जाए, बस मेरे को देख ही ना, अगर देख लिए तो मेरे पीछे और बस देख ही लिया उसने, अब मेरे पीछे आएगा, हाँ कुछ नहीं टाइम खाएगा, स्केप तो हो चुका है ऑलरेडी स्केप हो चुका है। बस यहाँ पे बस इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा इस मेज़ के ज़रिए। आ जा भाई तू इधर आ जा, अच्छा आ जा आ जा, तो इधर आ और मैं उधर जाता हूँ, बाय बाय। तो फिलहाल अपना इसके वो जगह है, बस की को ले जाके उस रोड पे लगानी है, फिर हैंडल उठाना है और हैंडल को यूज़ करना है। हैंडल वैसे यूज़ कहाँ होगा, कोई आइडिया तो नहीं है, वहीं होगा, बस हैंडल को पकड़ के भागना है। इस दरवाजे के पीछे तो चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे खोल चुका हूँ मैं बेसमेंट की से ये लॉक, और अभी हैंडल उठा लेता हूँ, दरवाजे को खोल दूँ, ये हैंडल उठ नहीं रहा, यही तो ग्लिच बता रहा, अजीब अजीब सा यार, उठ ही नहीं रहा ये। ओके आ गया यार, आजा आजा, क्या हो गया, मैं टैप कर रहा हूँ ये नहीं, ओके यही तो बता रहा, यही प्रॉब्लम है इस गेम की, क्योंकि ये ऑफिशियल गेम नहीं है शायद, मेरे को नहीं पता ये ऑफिशियल है नहीं, क्योंकि ये गूगल प्ले पे नहीं है, मैं मतलब प्ले स्टोर पे नहीं है, मैं गूगल से डाउनलोड किया था। तो यहाँ से चलते हैं बाहर, ये जा क्यों नहीं रहा, अबे चला जा, ये चढ़ ही नहीं रहा इस पर, क्या बात है, अबे कोई आ जाएगा तब तक, यहाँ साउंड हुई है, ड्रैकुला आ रहा, चढ़ जा जल्दी भाग भाई, मैं मरना नहीं चाहता अब यहाँ पे आके, मैं नहीं मरना चाहता प्लीज़, ये कहीं अच्छा यहाँ पे लगेगा ये, तभी नहीं चढ़ रहा मैं भी यार पागल हूँ, ऊपर लगेगा। ठीक है तो अपना हो चुका है गाइस एस्केप, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ऐसी और वीडियो देखने के लिए सपोर्ट करो यार भाई को, बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट, बन के होने वाले हैं तो प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए एंड बाय बाय, टाटा टेक केयर।